और जिनका ये अकीदा है हजूर शफीए कब्र हैं वो बोलें सुभान अल्लाह। हजूर शफीए कब्र हैं, हजूर शफीए मीज़ान हैं, हजूर शफीए पुल सरात हैं, आमना के लाल हैं, दुर्र यतीम हैं, शाय असीना हैं, शाय सरवरा हैं, शाय जमाला हैं, फातिमा के बाबा हैं, हसन व हुसैन के नाना हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज की ये माफ़िल पाक जो मोहम्मद अय्याज़ साहिब, मोहम्मद शबाज साहिब, उनके वालदैन के साले सवाब के लिए इनकाद पज़ीर है, रात का काफ़ी पैरो हो चुका है। आप तमाम अबाब दिन भर ख़ास कर उलमा मेरी तरह सारे जुलूसों में थे और वामुन नास भी जुलूस में शामिल हाल थी, और ये यकीनन वक्त का ख्याल रखा करें, उस माफल का क्या फ़ायदा, सुबह हैयलसला हैयलफला की आवाज़ आए और हम अपने बिस्तर न छोड़ सकें, अल्लाह की बारगाह में सजदा न कर सकें। यकीनन आप की मोहब्बत है कि आप रात के इस पैर में बैठे हुए हो, मगर थकावट की वजह से जब नींद गालब आएगी, सुबह की नमाज रह जाएगी, पूरी रात जागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जिनके सालिस सवाब के लिए हम बैठे हैं, यकीनन वो भी राज़ी नहीं होंगे अगर आप फजर की नमाज ना अदा करें। तो ये ख्याल किया करें सारे साहिबान नकीब उलमा नात खां हजरात के टाइम के साथ माफल ख़त्म हो, ताकि लोग फजर की नमाज सुबह बाजमात अदा करें। जब वो मस्जिद में ला इला इल्लल्लाह कह के वाले वाले दैया वाल मोमिनीन योमा यकूमल हिसाब, एक बेटा कहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसके वालदैन की बख्शिश फरमा देगा। और फिर इस तरह माल का ज़िया भी नहीं होता, इस तरह परेशानी भी नहीं आती, बल्कि घर वाले भी जो हैं वो भी राज़ी रहते हैं अगर टाइम के साथ सारा मामला सेटल कर दिया जाए। अल्लाह तबारिक व ताला हमें असल में दीन की समझ अता फरमाए, जो दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। और अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है जो हाकमुल हाकिमीन है, जो तेरी और मेरी जान का मालिक है, रूह का मालिक है, जिस्म का मालिक है, दौलत का मालिक है, हमारे हर अज़ा का वो मालिक व खालिक है। वो चाहे तो हम यहाँ बैठे रहें, वो चाहे तो यहाँ हमें वो सलाह दे, वो चाहे तो हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, सारी उसकी मर्ज़ी है। वो रब्बुल आलमीन है, वो इलाह है, और जब वो अपना इलाह होने का ऐलान करता है, सूरह फातिहा है, वो ऐलान करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। अब रब ने अपना ऐलान किया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं तमाम आलमीन का रब हूं, मैं तमाम आलमीन का रब हूं। और जब बारी उसके महबूब की आई, जब बारी दुर्र यतीम की आई, जब बारी शाय असीना की आई, जब बारी शफीए कब्र की आई, जब बारी शफीए मीज़ान की आई, जब बारी शफीए पुल सरात की आई, जब बारी अबू बकर के आका की आई, जब बारी उमर के आका की आई, जब बारी उस्मान के आका की आई, जब बारी मौला अली की आई, जब बारी हसन हुसैन के नाना की आई, तो रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया ए महबूबा, मैंने तुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अगर मैं शरक वालों का रब हूँ, तू शरक वालों के लिए रहमत, अगर मैं गरक वालों का रब हूँ, तू गरक वालों के लिए रहमत, अगर मैं मशरक वालों का रब हूँ, तू मशरक वालों के लिए रहमत, अगर मैं मगरब वालों का रब हूँ, तू मगरब वालों के लिए रहमत। सारी कायनात का जर्रा जर्रा लिल्लाही अस्जुदु मन फी समावाती व मा फी अर्दी, जमीन का जर्रा जर्रा जो मुझे सजदा करता है, ऐ महबूब वो सारा तेरी रहमत के साए तले है। सुभान अल्लाह। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया, ये कौन आया,
जिसका जिक्र नगर नगर है, गली गली है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्तान आलिया बंगाली शरीफ। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, जिसका जिक्र नगर नगर है, गली गली है। दिए दिलों के जलाए रखना, ये मोहब्बत जो है ना, इसका दिया जलाए रखना। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और ये दिया जलेगा तो कामयाबी होगी। हजरत जाबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऊंटनी भी आपकी, जाबर भी आपका। हजूर ने फरमाया, अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिनार लिए, हजरत जाबर की मुट्ठी में रखे। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। 10 दिनार लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर की मुट्ठी में रखे। हजरत जाबर फरमाते हैं, मेरी जो ऊंटनी थी वो 4 दिनार की थी, यह हद कीमत लगती 6 दिनार की होती। हजूर ने 10 दिनार दिए, जब दे चुके तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जाबर, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। ऐ जाबर, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबर सुन, मेरी ऊंटनी कैसी है, ऐ जाबर मेरी ऊंटनी कैसी है, जरा ये तो बता। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी सोने या सोना है, तेरी ऊंटनी भी सोनी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज आपकी हो जाए वो उससे भी ज्यादा सी हो जाया करती है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजूर का कुर्ता देखे ना, अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने कुर्ता पहना है, ये कुर्ता आपके हुसन की वजह से हसी हो गया है। या रसूल अल्लाह, ये कुर्ता बड़ा प्यारा हो गया है, ये कुर्ता बड़ा सोना है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब ये बात करते हैं तो आका करीम फरमाते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान, कहीं तुझे पसंद तो नहीं आ गया, क्या तू लेना चाहता है? अब्दुर्रहमान औफ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अनायत फरमा दें तो मेरी तो बिगड़ी बन जाएगी। हजूर ने कुर्ता दे दिया, सहाबा ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तूने ये क्या किया, तूने अल्लाह के रसूल से कुर्ता ले लिया। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते, तुम्हें नहीं पता ये कुर्ता मैंने क्यों लिया है, ये क्यों लिया है? अर्ज करते हैं, हमें तो नहीं पता, मगर तुमने रसूलुल्लाह से कुर्ता नहीं लेना था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, ये कुर्ता लूंगा जब मैं मरूंगा, इसे कफनी इस्तेमाल करूंगा, ये तो मैंने कफन के लिए लिया है, और इसकी निस्बत से फरिश्ते भी या करेंगे, रब भी बख्शिश फरमाएगा। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब हजरत जाबर से हजूर ने ऊंटनी खरीद ली है, और खरीद के फरमाया, ऐ जाबर, एक दूसरे को तोहफा दो तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। ऐ जाबर, मैंने अपनी सोनी ऊंटनी तुझे तोहफे में दे दी। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। हजरत जाबर फरमाते हैं, एक हाथ में 10 दिनार हैं, दूसरी हाथ में नकेल है, और इस पे आला हजरत फरमाते हैं, अजीमुल बरकत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। इंज तो नहीं, गज वज के आखो सुभान अल्लाह, नहीं इंज भी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, जो उनके दर के मंगते हैं वो जरा बोले, देने वाला है सच्चा। अली भी नहीं, सियालकोट इंज तो ना करो,
थक्या मैं होना चाहिए, मेरा चौथा खिताब है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। कश्मीर से चला था सियालकोट तक आ गया, मगर आप अभी भी नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जाबर को ऊंटनी भी सरकार ने दी, दिनार भी दिए, आंखों से आंसू जारी है। अर्ज करते हैं कैसा लजपाल हमारे आका हैं, मंगते को दें और कहें मंगते का भला हो, मंगते को दें और कहें मंगते का भला हो। पीर नसीरुद्दीन नसीर, कौन नसीरुद्दीन नसीर? जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। भाई अच्छा एक गल हो रहा है, मैं क्यों आखना कि हाथ खड़े करो, ये भी गल याद रखो। अल्लाह की कसम हर माफल जड़ी होंगी है ना, उदा कोई ना कोई इनाम होंदा है, तो दुनिया की होवे या दीन की होवे, कोई ना कोई उदे पिछे गल होंदी है। मगर ये जड़ी माफल है ना, इदे जदू हाथ खड़े कर दे, और मेरा अकीदा है, साडे उलमा दा अकीदा है, कुरान असानू ये अकीदा दिंदा है, इन्ना अरसलना का शाहिदुं व मुबशिरुं व नज़ीरा। उलमा समझे, इन्होंने कहा सुभान अल्लाह, आप भी बोले सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है। अगर किसी सियासी लीडर का नारा हो, हम हाथ उठा उठा के कहते हैं हमें तक तो ले, हमें देख तो ले। और जिन्हें मुस्तफा देख रहे हो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, फैजे आस्ताना अलिया बंगाली शरीफ। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने क्या खूब कहा, आज वो महले बाकरम है, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। आज वो दे रहे हैं और भी मांग, आज तो है ही रब से लेने का वक्त। आज रब का महबूब आया था, और समझे या नहीं समझे, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। आज तो रब का महबूब आया था, आज वो माले बाकरम है, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं, मांग लिया बस मांग लिया, हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजूर सिर्फ अपने सहाबा को नहीं अता करते, बल्कि जो भी गया, जिसने भी सवाल किया, हर एक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल को भी पूरा किया, और आका करीम ने करम भी फरमाया। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पर्दा पोशी करने वाले थे, अल्लाह ने सारी बातें हजूर के सामने रखी थी, मगर हजूर ने कभी किसी उम्मती का पर्दा फाश नहीं किया। आज हमें किसी चीज का पता चल जाए ना, तो हम लोगों के सामने गा गा के कहते हैं हमें पता इसके अंदर क्या ऐब है, क्या खूबियां हैं, क्या बराइयां हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे सामने लोगों की गीबत ना किया करो, लोगों की बराइयां ना किया करो। ऐ मेरे सहाबा, किसी की बराई नहीं मेरे सामने करनी, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, नबी पाक की बारगाह है, एक काफिर आया, काफिर आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है हुजूर मैं आपका आज मेहमान रहना चाहता हूँ। काफिर है, मेहमान कहता है मैं हुजूर आपका रहना चाहता हूँ। आका करीम ने अपने हुजरे मुबारक का दरवाजा खोला, एक हुजरा था मेहमानों के लिए, वो खोला, और जब वो खोला तो उसे घर में कुछ नहीं था, आपने चार पांच बकरियों का दूध दोया और जाके उस मेहमान को पेश किया, वो सारा पी गया। दो चार बकरियों का दूध था, वो सारा पी गया। रात वो क्या करता है, ख्वाब देखता है। ख्वाब में क्या देखता है कि वो एक वराने में है, वहां वो रफा हाजत कर रहा है, और उसने बिस्तर पे ही रफा हाजत कर ली। जब उसने रफा हाजत की और सुबह वो उसी वक्त जाग गया, मैंने क्या कर दिया, अब डरने लगा, इंतजार करने लगा सुबह हो। उधर मस्जिद नबवी में आजान हुई,
आवाज आई अल्लाह अकबर की, उधर किसी सहाबी ने दरवाजा खोला, वो उसी वक्त भाग गया। जब दूर गया, सुबह हो चुकी थी, दूर चला गया। जब दूर गया उसे याद आया मेरी सोने की एक अंगूठी थी, उस हुजरे में रह गई है, उस मकाम पे रह गई है, उस मकान पे रह गई है। तो उसने जब उसे कीमती जाना तो वो वापस आया। जब वो वापस आया, देखा अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल उसका बिस्तर धो रहे हैं। उस बिस्तर पे अबू बकर भी लबक रहा है, उमर भी लबक रहा है, उस्मान भी लबक रहे हैं, मौला अली भी लबक रहे हैं, अशरा मुबशरा भी कोशिश कर रहे हैं। कोई करे ना करे, बिलाल तो कर रहा होगा, बिलाल तो कर रहा होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बिस्तर नहीं दिया, बिस्तर साफ कर रहे हैं। वो जब करीब आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब ये राज नहीं हजूर ने फाश किया कि मैं क्या कर रहा। हजूर ने फरमाया, भाई तू अजीब है, चला गया था, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, बात भी नहीं की, और तू चला गया। उसे ये नहीं कहा, आज हमारे साथ किसी ने ये किया होता हम उसका वो हाल करते। हमारे नबी तो वो नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबर ही हैं, यकीनन हजरत जाबर हैं। फरमाते मुझे भूख लगी थी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बल्कि पहले मैं अबू बकर को मिला, फिर उमर को मिला, इस गर्ज से कि वो मुझे पहचान लेंगे, कुछ खाने के लिए देंगे। मगर उन्हें, वो अपनी जल्दी में थे, चले गए। मैं जा रहा था, आगे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हजूर ने पूछा है मेरे जाबर, क्या तुझे भूख नहीं लगी? या रसूल अल्लाह लगी है, या रसूल अल्लाह लगी है। तो पूछा, ऐ जाबर, मैं अंदर जाता हूं, घर गए अल्लाह के रसूल, एक दूध का प्याला आया हुआ था, एक प्याला दूध है। हजरत जाबर ने दूध देखा, खुश हो गए, राजी हो गए, काम बन गया जी, काम बन गया है, दूध का प्याला लग गया है। मगर हजूर फरमाया, जो 70 बैठे नहीं वो भी ले आया। हजरत जाबर कहते, जब हजूर ने ये बात कही तो मैं जब उनकी तरफ चला तो मेरे पांव साथ नहीं दे रहे थे कि उधर जाऊं और उन्हें बुलाऊं, भूख मुझे लगी थी। मगर मुस्तफा ने फरमाया, उन 70 को भी बुलाओ। जब वो 70 सारे बुलाएंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो प्याला था, कहा, ऐ जाबर, इसे पिलाओ। हजरत जाबर फरमाते हैं, जब मैं उसे पिलाने लगा, साथ ही पंजू के बालों के ऊपर से देखता कि कहीं ये सारा दूध ना पी जाए। हजरत जाबर फरमाते, जब मैंने दूसरे को दिया, फिर इसी तरह पंजू के बाल, जब तीसरे को दिया, प्याला उतना ही था। मैंने कहा, अब 70 लाख भी हूं तो पी जाए, दूध इतना ही रहेगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने ताजदारे आस्ताना लिया बंगाली शरीफ। हजरत जाबर फरमाते हैं, जब 70 लोगों ने पिया और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब तू पी। जब मैं पीने लगा, मैंने दूध पिया, हजूर ने फरमाया, और पी। फिर हजूर ने फरमाया, और पी। जब मैंने पी लिया, खूब सैर हो गया, मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, बस। जब मैं अच्छी तरह रज गया, देखा प्याला उतना ही। और फिर कुर्बान जाऊं, सबसे बड़ी बात कौन है जो बेसहारों को, बेकसों को, अल्लाह अकबर, 70 लोगों ने दूध पिया, उसके बाद आप फरमाते हैं मैंने पिया, और सबसे आखिर में अल्लाह के रसूल ने पिया। बताओ, कोई इतनी शफकत दे सकता है? कोई पीर किसी मुरीद का खाना जूठा नहीं खाता, कोई मुरीद, कोई बाप अपने बेटे का जूठा पानी पी लेते, पी ले बकाया तो कोई नहीं पीता। मगर अल्लाह के रसूल पे कुर्बान जो 70 सहाबा है, उनका जूठा खुद पी रहे हैं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब बिस्तर हजूर खुद धो रहे हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर धोते हुए देखा,
हजूर आगे उसे खाने की दावत देते हैं, अल्लाह के रसूल उसके वापस जाने पे उसे एक गंदम का तोड़ा भी देते हैं, साथ सवारी भी देते हैं। उसने कलमा नहीं पढ़ा, अब इरादा ये कर दिया अपनी कौम के पास जाऊंगा। वो अपनी कौम के पास गया, वो कहने लगा कि इतना करीम नबी आया है, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, इतना करीम नबी आया है और वो अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आया है, और उसका चेहरा देखो तो बंदा तकता ही रह जाता है। और पीर मेर अली शाह ने यहां बात ही मका दी, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा तो सोने रब दी मैं शान आखा, सच आखा तो सोने रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू बनिया सब शाना, किथे मेरे अली किथे मेरे अली किथे मेरे अली किथे तेरी सना, ए गुस्ताख अखीन किथे जा लड़िया, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वो काफिर अपनी कौम में गया, तबलीग करने लगा, 500 लोगों को तैयार किया, अल्लाह के रसूल के पास ले आया, अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मेरी कौम को भी कलमा पढ़ाइए, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं बादा बिन शरजील, मदीने में कैद पड़ा, मदीने में कैद है, आप मुख्तलिफ लोगों के पास कर्ज के लिए गए तो पहले तो लोग देते रहे, बाद कैद बढ़ गया, किसी ने न दिया, मजबूर हो गए, इतने मजबूर बच्चे, आपकी बच्चियां थी वो घर में भूख से बिलक रही थी। आप एक बाग में दाखिल हुए, वहां देखा सहाबी नहीं था, मिलने की कोशिश की ना मिला, रहा ना गया, चंद अंगूरों के गोशे उतारे, खजूरें उतारी, वहां से निकले तो वो सहाबी आ गया, उसने पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि तू तो मेरा माल लेके जा रहा था। उसने कहा नहीं नहीं मैं ये तो नहीं करने जा रहा था, बल्कि घर की ये हालत थी, मैं तुझसे मांगने आया था कि तू दे मेरी मदद कर, बाद में मैं तुझे इस मदद का बदला दे दूंगा, मगर तू नजर नहीं आया। मगर वो गुस्से में अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेके गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके गया ना, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसे क्यों लाए हो, या रसूल अल्लाह ये मेरी खजूरें और अंगूर लेके जा रहा था। हजूर ने फरमाया मेरा आबादा चोर नहीं हो सकता। पूछा वजह क्या है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कर्ज की नीयत से था, ये नहीं मिला, इसकी वजह से मैंने ये जो हरकत की कि बच्चे भूख से बिलक रहे थे, या रसूल अल्लाह घर की हालत ऐसी थी, कैद मदीने में है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इसके हाथ काट दो, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबी तू मालदार है, दो ऊंट लदे हुए माल से इसके घर पहुंचा दे, तुझे नहीं पता इसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला, चांद बदली से निकला, उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारू जैसे, उनके सहाब सतारू जैसे, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, हाय हाय वो महबूब ऐसा महबूब है, लकड़ियां भी बिछड़ के रोती हैं, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते, बादल उन पे साया करते, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया तेरे जिया, सोना किन्नू कोमा, तेरे जिया कोई नहीं। और हजूर जितना भी कोई जाबर होता, जाबर के सामने खड़े हो जाते, गरीबों की मदद फरमाते, हमने भी देखना है, हम भी किसी की मदद कर रहे हैं, ये मुश्किल दौर गुजर रहा है, लोग ये बिल ये दीगर मामलात, हमने ये भी सोचना है कि कम से कम अपने को रबा, ये नहीं मैं कहता कि आप मोहल्ले वालों के वारिस बने, कम से कम अपने बहन भाइयों को तो ख्याल रखें, उन्होंने आज खाना खाया या नहीं,
उनके बच्चों का क्या हाल है, कहीं ये ना हो कि आपका भाई भी रस्सा लगा के खुदकशी कर रहा हो अपनी गैरत की वजह से। अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो अपने मुसलमान गरीब भाई की मदद कर, जब तू मदद करेगा अल्लाह तुझे राजी होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी गरीब भाई की मदद की उसकी मुश्किल में, अल्लाह तबारिक व ताला जब वो मुश्किल में होगा क़यामत वाले रोज अल्लाह उसकी मुश्किल दूर फरमाएगा। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजूर इस तरह लोगों की मुश्किलें दूर करते। तो एक बंदा था वो तजारत करता था, तजारत क्या करता, ऊंट खरीदता और मक्के में जाके फरोख्त करता। वो एक दिन ऊंट लेके गया मक्के में, चार पांच ऊंट हैं, हत्थे चढ़ गया अबू जाल के। उसने कहा ऊंट खरीदने? उसने कहा हाँ बिल्कुल खरीदने हैं। कितने के हैं? और जिसने पैसे ना देने हों वो मोल ज्यादा लगाता है। आपने देखा होगा जो व्यापारी आपको माल नहीं देता, पैसे नहीं वापस करता, वो अगर आपकी चीज 50 रुपए की है वो 100 रुपया लगाएगा, आप खुशी से बेचेंगे। अबू जाल ने भी इस तरह किया, उसने कहा केड़ा मैंने पैसे देने, मैं चौधरी हूं, बदमाश हूं लाके का, मैं सरदार हूं। उसने ऊंट खरीद लिए, उसने कहा पैसे दे, उसने कहा कल आ जाना, वो कल आया, फिर कहा कल आ जाना, फिर कल आया, फिर कल आया, फिर फरमाया कल आ जाना। जब तीसरे दिन कहा तो तीसरे दिन वो गया तो उसने कहा कोई पैसे शैसे नहीं, केड़े ऊंट मैं तो खरीदे ही नहीं, जा कोई गवाह लेके आ। वो रोता हुआ ना मक्के की तरफ निकला, लोगों से पूछने लगा यहाँ कोई सरदार है, परिया पंचायत के बंदे हैं, यहाँ कोई है? उन्होंने कहा हाँ यहाँ उतबा शीबा वो बैठते हैं इधर मक्के के इर्द गिर्द। जब उनके पास गया उसने कहा भाई मैं मेरे इस तरह एक बंदे ने ऊंट खरीदे। उसने कहा मक्के में किसी ने ऐसी ज्यादती की? हम उसे अभी पूछते हैं, सर नाम तो बता। कहा अबू जाल। कहने लगे वो हमसे भी बड़ा बदमाश है, हम तो अबू जाल के पास नहीं जा सकते। जब ये बात कही कि अबू जाल के पास नहीं जा सकते तो फिर उनमें से उतबा या शीबा या मनाफ उनमें से किसी ने ये देखा कि हजूर मक्के के सामने बैठे और फरमाया जा वो जो सामने बैठे उनके पास जा, ये अबू जाल से पैसे लेके देगा। और उनका मकसद ये था कि हजूर पैसे मांगेंगे, वो जो है कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसी हरकत हो जाए। क्योंकि मैं वो लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस उनका मकसद ये था बस ठट्ठा करना, मजाक करना, या कोई ना कोई उनकी चाल थी। उन्होंने जब हजूर के पास भेजा तो आका करीम ने वो मुसाफिर को देखा, हजूर ने फरमाया तू मुसाफिर है? अर्ज की लजपाल मुसाफिर हूं, मुसाफिर हूं। अच्छा मुसाफिर हो, हजूर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। और कहते हैं हजूर ने कंधे पे हाथ रखा, वो कहने लगा कि इस तरह पता चला कि पूरी कायनात ही, पूरी कायनात ने ही मुझ पे साया कर दिया है, पूरी कायनात ने ही मुझ पे साया कर दिया है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खाया? अर्ज की लजपाल तीन दिन से कुछ नहीं खाया, यहीं बैठा हूं, उसके पास जाता हूं वो वापस भेज देता है। अल्लाह के रसूल ने उसका बाजू पकड़ा, अपने गर्म ले गए, हजूर ने उसे खाना दिया, उसने खूब खाना खाया, तीन दिन से भूखा तक खाना खाया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछना चाहा तो वो अर्ज करता जनाब आप रहने ही दें, आप तो बहुत शरीफ नफ्स हैं, आप जैसा कोई नहीं, वो तो बड़ा बदमाश है, उससे सरदार भी डरते हैं, नहीं नहीं आप ना जाएं, आपने मुझ पे इतना रहम फरमाया, मुझे खाना दिया, मेरी इज्जत की, मुझे पास बिठाया, यहाँ तो मुझे किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, इतने तीन दिन से यहाँ हूँ तो इसलिए आप ना जाएं। आपने पूछा है कौन? कहा अबू जाल। आपने कहा चलो चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चलने लगे। अबू जाल के दरवाजे पे हजूर ने दस्तक दी। जब हजूर ने दस्तक दी, अबू जाल ने दरवाजा खोला, हजूर ने फरमाया इस इधर पैसे क्यों नहीं देंदा? अबू जाल कहते हैं अभी देता हूं। अंदर गया, अंदर जाके पैसे लेके आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
पैसे पेश किए हजूर ने उसे दिए। ये सारा माजरा एक उन्होंने जासूस भी भेजा हुआ था कि वो बातें क्या करेगा, क्या सुनाएगा, वो तो इस घर से गए कि कोई बात सुनाएगा, मगर यहां हाल और ही था। वो पैसे दे गया, जब पैसे दे चुका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा ठीक है अब चला जा तू। और जो जासूस आया था वो कहने लगा सुन ये जो है ना ये बड़े जादूगर हैं, जो इनके साथ चला जाता है इनका कलमा पढ़ लेता है। वो तुम्हें बताया नहीं था एक नाम मोहम्मद है, तो उसने कहा अगर ये मोहम्मद है तो मैं अभी कलमा पढ़ता हूं। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारो, ये जिंदगियां तो जाया हो रही हैं। और नबी पाक के गुलामों ये मिलाद शरीफ मनाना, मिलाद की महफिल सजाना, ये दुरूद और सलाम पढ़ना, ये बड़े बख्तों की बात है। एक हदीस ना आपको सुना दूं अगर आप कहें तो, जे तुहाडा मूड बनदा है ते मूड है गल करा। यार डरदे तो नहीं आंदे पे ठीक है, कुछ सेंटर च बंदे जो बुजुर्ग नो पिछे जवान है वो आंदा जी जी, मगर बकाया आंदे ना बस कर अल्लाह दा वास्ता ही। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। मगर ये आपके नफे की बात है, एक ही करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इतनी देर बात करता हूँ जितनी देर कोई सुने, और बातें मैं अपनी नहीं करता, अपने बाप की नहीं करता, अपने पीर मुर्शिद की नहीं करता, मदीने वाले की करता हूँ। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, अब्दुर्रहमान बिन औफी हजूर के साथ है, एक बाग में चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया। समझ आ रही है ना? यार आगे पीछे छोड़ो, इधर ध्यान करो, एक एक, एक बड़ी काम दी गल जे अगर इस पे आपने अमल कर लिया इंशाल्लाह यकीनन मेरी भी बख्शिश हो जाएगी, आपकी भी बख्शिश हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपके सदके मेरी होगी। मैं नहीं ये कहता कि मेरी, बल्कि आपके सदके, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं। और यहां पता नहीं कौन ऐसा बंदा बैठा हो, अल्लाह उसके वो सबकी बख्शिश फरमा दे। वो तो बड़ा करीम है, वो गफूर है, वो तो माफ करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मैं हुजूर के साथ एक बाग में चला गया, हुजूर सजदे में पड़ गए। हुजूर कहाँ? सजदे में पड़ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में पड़े, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अर्ज करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे को तवील देखा कि हुजूर ने सजदा और लंबा कर दिया है, और मैं डर गया, मेरे चेहरे का रंग मुतगैर हो गया, हुजूर इतनी देर से सजदे में, परेशान हूं, परेशानी का आलम है और दिल में तरह तरह के ख्यालात हैं। और सहाबा तो अल्लाह के रसूल से इस तरह मोहब्बत करते हैं। हजरत उमर बिन खताब को किसी ने कहा हुजूर का वसाल हो गया, आपने तलवार उठा ली, खबरदार कोई ना कहे कि मोहम्मद मुस्तफा दुनिया से चले गए हैं। और हजरत जैद अपने ही बाग में काम कर रहे थे, किसी ने बताया कि अल्लाह के रसूल का वसाल हो गया है, उसी वक्त दुआ की या अल्लाह मेरी ये बिनाई वापस दे ले, अब मैं ये आंखें चाहता ही नहीं जो मोहम्मद मुस्तफा का दीदार ना कर सके। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत सिर्फ सहाबा में है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो सुनो, देर गुजरी, हजूर ने सर सजदे से उठाया। जब हजूर ने सर सजदे से उठाया, उठा हुआ सर देखा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ करीब पहुंचे, जब करीब पहुंचे तो अर्ज करते हैं लजपाल, जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो डर गया था। हजूर ने फरमाया क्या हुआ? हजूर आपने तो सजदा लंबा कर दिया था, मैं तो डर गया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या मैं उस रब का शुक्र ना अदा करूं? जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। उस रब का शुक्र ना अदा करूं जिसने अभी मेरे पास जिब्राईल अली सलाम को भेजा था। किसे भेजा था? जिब्राईल अली सलाम को भेजा था।
और वो रब फरमा रहा था ए जिब्राइल मेरे महबूब के पास जा और मेरे महबूब को ये पैगाम दे, ए मेरे महबूब जो भी तेरा उम्मती मुझ पर दुरूद और सलाम पड़ेगा मैं रब होके खालक होके मालिक होके इलाह होके तेरे उस उम्मती पे दुरूद भी पढ़ूंगा सलाम भी पढ़ूंगा। ताजदारे खत्मे नबूवत फैज आस्ता नालिया बंगाली शरीफ। ए महबूब अपनी उम्मत से फरमा दे जो दुरूद पड़ेगा जो सलाम पड़ेगा मैं रब उन पे दुरूद भी पढ़ूंगा सलाम भी पढ़ूंगा। ये हदीस मुबारका है और इसके रावी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, उन दास लोगों में से हैं जिनके मतलक हजूर ने फरमाया ये मेरे सहाबा जनती हैं। आप इसके रावी हैं तो बताओ फिर मिलाद पढ़ने से जन्नत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मिलाद में दुरूद भी पढ़ा जाता है सलाम भी पढ़ा जाता है। और जिस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगे यहाँ रवायत है हजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती एक बार दुरूद पढ़ता है ना मैं उससे बड़ा राजी होता हूँ। क्यों राजी होता हूँ? सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह वजह क्या है, हमारी रहनुमाई के लिए सवाल करते हैं सहाबा। हजूर ने फरमाया इसलिए इसलिए कि अल्लाह 10 बार मेरे उम्मती को रहमत की नजर से तकता है, 10 गुनाहों की बख्शिश करता है, 10 नेकियां लिख देता है, और जिसे रब एक बार रहमत की नजर से तक ले वो जहन्नम की आग से बरी हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों मिलाद शरीफ में आने वालों आप अपने महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ा करो। ये नहीं कि मिलाद कहाँ है, सबसे पहले रब ने बनाया फरिश्तों को बिठाया फरमाया इन अल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लून अलन नबी, और पहली बात है कोई कहे मैं कहता हूँ हम तो बगैर दलील के ही मिलाद पढ़ते हैं, हमें हजूर की मोहब्बत में दलील की जरूरत नहीं, हजूर की मोहब्बत में दलील की जरूरत नहीं। ये कैसी मोहब्बत है, बंदा के हजूर से मोहब्बत भी करता हूँ लोगों को दलीलें देता जाए और भाई इश्क जो है वो दलीलें नहीं देखता, एक गल है कि नहीं के होया ही नहीं है, वो मजाजी भी हो तो लोग दलील नहीं देते, ये तो हकीकी इश्क है। और जिसे हो गया हाथ कटे जा रहे हैं, जैद बिन दसना मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, कहा नहीं एक जान क्या 1000 जाने हों, हजूर पे कुर्बान हैं, तत्ते कोलू पे लटाया गया यासर बिन हमार को, आग जला के आग में फेंका गया यासर बिन हमार, रोने लगे कफार खुश हुए, पता चलता है ए यासर बिन अमार तू डर गया है, आ वापस आ जा तुझे माफ कर देते हैं, तू रो रहा है, कहा रो इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं कि कोई मदीने वाले को जाके बताए यासर बिन हमार आग में जल के भी या मोहम्मद कह रहा है। जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह, आग में जल के भी अपने आका का जिक्र कर रहा है। और सहाबा फरमाते हैं उधर आका करीम क्या करते हैं, अपनी याईल मुजम्मिल वाली चादर उठाते हैं, उधर हमार बिन यासर उधर हजूर की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहा है, हजूर जब चादर उठाते हैं सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ, हजूर फरमाते हैं कफार ने हमारे हमार बिन यासर को आग में डाल दिया है। हजूर वहां पहुंचे, अल्लाह अकबर, हजूर वहां तशरीफ लेके गए और आग को कहा ए आग मेरे यासर पे ठंडी हो जा जिस तरह तू इब्राहिम पे ठंडी हुई थी। और क़यामत का रोज होगा बात यही होगी, आला हजरत फरमाते हैं वो मुजदा शफात सुनाते जाएंगे। जरा बोलो तो सही सारे सुभान अल्लाह, एंज तरी बोलो सुभान अल्लाह, वो मुजदा शफात सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे हमें हंसाते जाएंगे,
फिर क्यों ना कहूं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और इसीलिए इकबाल ने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो खामी तो ईमान नामकम्मल है। फिर इकबाल कह गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहू कलम तेरे हैं। मगर ये बात याद रखो, आज आज अगर हमने ये मिलाद सही पढ़ा है अल्लाह कबूल फरमाए, और कबूल फरमाया है अब रब ने, अगर हमारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं तोबा करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह तोबा करने वालों की तोबा कबूल करता है। खुद कुरान में इरशाद फरमाता है वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम, ऐ मेरे बंदे तू तोबा कर, मैं रब बड़ा करीम हूँ और तेरी तोबा कबूल करने वाला हूँ। तोबा कबूल की जब रब ने, अब क्या कोशिश करें, नामे माल को बेहतरी के लिए सुबह हय्यल सलाह हय्यल फलाह की आवाज़ सुने तो मस्जिदों में जाए, जाएंगे ना सारे, नहीं यार गए तो फिर काम खराब हो जाना है, लोगों को पता लग जाना है नमाजी हो गए, मस्जिद में जाएंगे ना सारे, हाथ खड़े करें इंशाल्लाह भाई, अच्छी नीयत ही कर लें, क्या पता यहाँ से नीचे उतरे या ना उतरे, नीयत अच्छी होगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, और एक सारी उम्र गुनाह करने वाला आखिरी वक्त तोबा की नीयत करता है, अल्लाह मूसा को भेजता है जा मेरा वली फोत हो गया है, तो ये वो तो करीम है, उसके करम की कोई हद नहीं। इसलिए नमाज पढ़ो, नबी पे दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, ताकि रब भी तुम पे दरूद पढ़े, रब भी तुम पे सलाम पढ़े। और फिर गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी का हक ना खाओ, रिश्वत ना लो, दुनिया की ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। जो दुरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं, और देखें ना दुरूद सलाम पढ़ने वालों को अल्लाह क्या मुकाम देता है, हज़ार साल होंगे होंगे दाता लिए जवेरी को, लोग कहते हैं बिदत है शिरक है, दाता साहब नहीं जाना, पहले से ज़्यादा लोग जाते हैं, इमाम साहब ना जाना बिदत है शिरक है, पहले से ज़्यादा लोग जाते हैं। ओ भाई क्यों जाते हो, क्योंकि वो दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ते रहे हैं। और बताओ ना जिन्होंने दुरूद सलाम नहीं पढ़ा, कोई मुफ्ती हुआ है, कोई वक्त का मुफस्सर हुआ है, अपने आप को लामा फामा कहता था, बड़े खतीब था, बड़ा नाम था, अगर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता था उसका कोई नाम नहीं, मगर जिसने दुरूद और सलाम पढ़ा वो फकीर था, नाम जिंदा है। अल्लाह तबारिक व ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, अय्याज साहब जो महफिल सजाई अल्लाह कबूल फरमाए। नक्शबंदी थोड़ा जिक्र भी करवाऊंगा, अब मेरा टाइम है आपका ख़त्म हो गया, नकीब साहब जरा बोलो सारे सुभान अल्लाह। नक्शबंदी हूँ, असल हमारी आदत होती है, शायद एक मैंने हदीस मुबारक भी पढ़ी है कि जिस आखिरी जो जन्नत में जाएगा उसके पलड़े सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा उसने ज़िंदगी में, अल्लाह कहेगा खंगालो इसके माल, खंगाले जाएंगे एक दफ़ा कलमा मिलेगा, तो शायद इस कलमे की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए, तो थोड़ा सा कलमा होगा अल्लाह का जिक्र होगा, फिर जिस तरह नकीब साहब चाहें, फिर अगर इन्होंने रात माफ़ रखनी है तो मुझे इजाज़त दे, ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब जिक्र होगा अल्लाह का, सब ने करना, कोई जबान खामोश न रहे, और इस तरह अपने दिल पे ज़र्ब लगानी है ताकि मैल उतर जाए। अल्लाह हो 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 अल्लाह जल्ला जलालहु। तमाम अबाव अपनी जगहों से
खड़े हो जाए, अपनी अपनी जगह ही खड़े हों, दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, मगर एक ही शेर पढ़ा जाए, जो भी पढ़े। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज में हिदायत पे खो सलाम शमाए बज में हिदायत पे सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद चमका तैबा का चांद जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज में हिदायत पे या रसूल लल्ला तेरे दर की फिजाओं को सलाम गुंबदे हसरा की ठंडी ठंडी छाओ को सलाम असलाम सबसे गुंबद के मकीन असलाम या रहमत लमीन दस्त बस्ता दस्त बस्ता है खड़े आका गाजी गुलाम पेश करते हैं गुला माना सलाम। एक बार अलहम शरीफ पढ़ें, तीन मरतबा कुल शरीफ पढ़ें ताकि इसका सवाब जो है इनके वालदैन को पेश किया जाए। और दूसरा आप अबाब से भी ये गुजारिश है ऐसे लोग नात खान बुलाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो बेशक इन्हें आंखों से नज़र नहीं आता जो कलाम इन्होंने पढ़ा है, और यही कलाम है असल नात का। ये सूफी साहब जैसे लोग ये नहीं कि यहाँ से उतरें तो एक एक सिगरेट और एक एक बोतल आपके पैसों से वो इस्तेमाल करें, खुदारा ऐसे लोग ना बुलाया करें, वो होना चाहिए। ये साले सवाब की माफलें होती हैं, हुजूर का जिक्र होता है, और ऐसे लोग होने चाहिए जो हुजूर को पसंद हों, फिर माफल जो है अपने अरूज पे पहुंचती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मलजना व मावाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक मौला जो हम सब ने अलहम शरीफ कुल शरीफ जिक्र किया, माफल पाक कुरान खानी हुजूर का मिलाद पढ़ा गया, अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सारे हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, सारे हजूर के ग़ुलाम हैं। अल्लाह हजूर की बारगाह में मिलाद का तोहफ़ा पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह कबूलियत का दर्जा दे के करीम आका का सदका अल्लाह तमाम नबी तमाम नबियों की उम्मतें खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा सहाबियात हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी आल औलाद हज़रत माम हसन माम हुसैन शहीदान करबला को या अल्लाह पाक सवाब पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। और ए मालिक मौला सैयदुल शुहदा के सदके मालिक मौला तमाम मुसलमानों को जो इस दुनिया से गए और बिलखसूस महबूब सुबहानी शबादिल मकानी कंदील नूरानी सैयद अब्दुल कादिर जलानी वल हसनी वल हुसैनी ग्यारहवीं वाली सरकार उन्हें सवाब पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। और ए मालिक मौला उसके बाद तमाम सलासल नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सोरवर्दिया अवैसिया तमाम सलासल के बुज़ुर्गों को
सवाब पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। और बिलखसूस इस तमाम माफले पाक, जिक्र पाक, कुरान खानी जो पढ़ा पढ़ाया गया, और हर साल क्योंकि इनके वालदैन बड़े खुश नसीब हैं जिनको रबीउल अव्वल नूर शरीफ की 12 तारीख मैसर आई, वो पता नहीं कितने बड़े आशिक रसूल थे। बात यह है उनके इश्क की इंतहा थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें मरने के लिए भी वो 12 रबीउल अव्वल की डेट अता फरमाई। और उस दिन यकीनन आशिक ही जाते हैं, और किसी ने क्या खूब कहा, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, मदीने की गलियों से ज़रा घूम के निकले। और जिन्हें हजूर ने कबूल फरमाया, अल्लाह उस माई बाबे को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, और अल्लाह उनकी कब्र हशर मैदान और अय्याज साहब शबाज साहब जिस तरह अपने वालदे ग्रामी और वालदा साहिबा का हर साल इस माफल को करके साले सवाब करते हैं, यकीनन उनके दर्जे बुलंद होते होंगे। मालिक मौला उनके दराजात बुलंद फरमा। और हाजरीन जितने इनके वालदैन अजीज़ वकारब रिश्तेदार बहन भाई जो भी फोत हुए, और बिलखसूस हाजी अमजद साहब बड़े ही प्यार वाले दरीना साथी उनके बाईयां तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। और अल्लाह हाजरीन के वालदैन अजीज़ वकारब रिश्तेदार जो फोत हुए, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह याद साहब इनके कारोबार में, सेहत में, रिजक में, हिलम में, इलम में, शबाज साहब के कारोबार सेहत में और रिजक में बरकत अता फरमा। इनकी जो औलादें अल्लाह उनको आपस में इतफाक अता फरमा। दीगर जो याद साहब के भाई हैं, अल्लाह उन पे भी अपनी रहमत फरमा। इन भाइयों में इतफाक अता फरमा, इनकी औलादों में इतफाक अता फरमा। और अल्लाह नबी पाक के जिक्र के वसीला से इनके कारोबार सेहत रिजक में बरकतें अता फरमा। शैयातीन के शर, हासिदीन के हसद, जालमों के जुल्म से इन भाइयों को महफूज फरमा। अल्लाह तू इनके तमाम मामलात दीनी दुनियावी सब बेहतर फरमा, और इस घर पे अल्लाह खसूसी अपनी रहमत फरमा। और जितने अबाब इस माफले पाक में आए, अल्लाह अगर कोई बीमार आया है तो सेहत अता फरमा, अगर कोई बे औलाद आया है तो नरीना औलाद अता फरमा। खलीफा मोहम्मद यूसुफ साहब, अल्लाह इनके बेटों को मिलाद के सदके अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह तेरे दरबार में कोई कमी नहीं है, अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा। खलीफा खाल साहब हैं इस मस्जिद के इमाम खतीब, बहुत प्यारी शख्सियत यहाँ बैठी है, अल्लाह इन पे अपनी रहमत फरमा। हाजी साहब मलक साहब और ये दरवेश सिफ्त इंसान और ये ड्राइवर बाबा जी और मालिक मौला दीगर और अलामा सूफ़ी साहब, ये नकीब माफल और बिलखसूस सोंड वाले हजरात, अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत फरमा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्यार से आज जितनी माफल थी इसमें सोंड चलाया। अल्लाह इनके इस कारोबार में बरकतें अता फरमा। नबी पाक के जिक्र को ये लोगों तक पहुंचाते हैं, इसका बदला इनके कारोबार रिजक में बरकतें अता फरमा। अव्वल से लेकर आखिर तक जो नबी पाक के गुलाम बैठे हैं, अल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हजरात बैठे हैं, अल्लाह सबकी दुआएँ कबूल फरमा, सबकी हाजतें पाई तन पाक के सदके अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह नबी पाक के सदके सब पे अपनी रहमत फरमा। घरों में खुशियाँ अता फरमा, माल में बरकत अता फरमा, रिजक में बरकत अता फरमा। अल्लाह नबी पाक के सदके सब की दुआओं को कबूल फरमा, और बिलखसूस वो बेटियाँ वो बहनें जिन्होंने दुआओं के लिए कहा। मालिक मौला नबी पाक के वसीला से अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिनके बच्चे बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। अल्लाह हुजूर के सदके किसी के बच्चे को बीमार न रखना, बिलखसूस सूफ़ी अब्दुल हमीद साहब उनका बेटा बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। नबी पाक के सदके हर एक की औलाद को अल्लाह सेहत अता फरमा, तंदरुस्ती अता फरमा। और ऐ मालिक मौला यहाँ जितने बैठने वाले हैं सब की दुआओं को कबूल फरमा, मुरादों को पूरा फरमा। जिनकी औलाद ना फरमान है उन्हें फरमानदार बना, और मालिक मौला सब की औलादों को नेक बना। कर्ज़दार हैं तो कर्ज़े अदा करने की तौफीक अता फरमा, माली परेशानियाँ हैं तो अल्लाह दूर फरमा। अल्लाह नबी पाक के सदके इस मुल्क पाकिस्तान पे रहमत फरमा। मालिक मौला कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा, आलम इस्लाम पर अपना फ़ज़ल व करम फरमा। अल्लाहुम्मा या शाफ़ी अल अमराज़, अल्लाहुम्मा या दाफ़ी अल बलियात, अल्लाहुम्मा या हल अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या मुजीब अद दावात, अल्लाहुम्मा या दलील अल मुत्तहीरीन, अल्लाहुम्मा या अमानुल खाइफीन, अल्लाहुम्मा या गियास अल मुस्तगीसीन अगिसना, या रब्बना अल्लाहुम्मा या खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा या खैरुर राज़िकीन, अल्लाहुम्मा या खैरुल वारिसीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया
हसना तू अफिल आखिरात हसना तू वकीना अजाबुलनार वकीना अजाबुल कब्रे वकीना अजाबुल हशरे वकीना अजाबुल सकरे वकीना अजाबुल मीज़ान। जो माएँ बहनें बेटियाँ इस माफले पाक को समात कर रही हैं, मालिक मौला उनकी इज्जत हया पर्दे की हफाजत फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके घरों में खुशियाँ अता फरमा, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता फरमा, उनकी औलादों को नेक बना, और जिन बहनों की औलाद नहीं अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह नबी पाक के सदके उन पर अपनी रहमत फरमा करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन।